वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज उर्वशी संचुरिया। और आज हम आए हैं बगरू प्रिंटिंग देखने। ये मेरे एक फ्रेंड की ही मैन्युफैक्चरिंग है, जो अभी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ये जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मेरे फ्रेंड की है, बलराज छिपा। एक बार मीट है, ओके। इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। आपको कुछ भी बगरू प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ भी चाहिए हो तो आप ले सकते हो। पेजेस वगैरह है, कोई नाम बता रहे हैं तो हमारे एंटरप्राइजेस और संतोष हैंड प्रिंटर इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे अवेलेबल। ओके, तो आपको कुछ भी चाहिए हो ब्लॉग प्रिंटिंग से रिलेटेड तो आप इनके चैनल पे जाकर इनसे ले सकते हो। इनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। सो यस, ये है इनका ब्लॉक प्रिंटिंग का कलेक्शन। और पहले हम देखेंगे इनका पूरा कलेक्शन कि ये लोग क्या बनाते हैं, और फिर जानेंगे कि इस चीज़ को बनाते कैसे हैं। पूरा प्रोसेस हम देखेंगे, सेस वन बाय वन हम लोग देखेंगे इनका कलेक्शन। ये है इनका साड़ी कलेक्शन ब्लॉक प्रिंटिंग का, यस। और ये आप क्लोज से देख सकते हो, इसमें ब्लाउज प्लेन रहता है और साड़ी प्रिंटेड रहती है। ये है प्रॉपर बगरू ब्लॉक प्रिंट साड़ी, जिसके साथ जो इनका ब्लाउज है वो भी प्रिंटेड है, यस। और ये अगेन ब्लॉक प्रिंट साड़ी विद प्लेन ब्लाउज। और ये है कोटा डोरिया साड़ी, जिसको ब्लॉक प्रिंट से डिजाइन किया गया है। ये अगेन ब्लॉक प्रिंट साड़ी। और ये है इनका सूट कलेक्शन, ये है बगरू ब्लॉक प्रिंट सूट, और बहुत ही प्यारा प्रिंट है इसका, आप देख सकते हो। सो ये इनके पूरे सूट के कलेक्शन, और ये प्रॉपर सूट है जिसमें 2.5 मीटर का टॉप होता है, 2.5 मीटर का बॉटम है, और साथ में 2.5 मीटर का दुपट्टा है। और ये नीचे है बेडशीट्स और शर्ट्स के फैब्रिक। सो दे हैव 4 टाइप्स ऑफ फैब्रिक हियर, दाबू प्रिंट, बगरू प्रिंट, दाबू प्लस बगरू प्रिंट एंड ट्रेडिशनल बगरू प्रिंट। सो ये है ट्रेडिशनल बगरू प्रिंट फैब्रिक्स। सो नाउ दिस इज द टाइम टू एक्सप्लोर द प्रोसेसिंग पार्ट, और इधर से प्रोसेसिंग पार्ट शुरू होता है। और ये जो है ये ड्राइंग एरिया है, जहाँ पे एक बार फैब्रिक ड्राई होने के बाद सूखने के लिए रखा जाता है, तो ये एरिया है बड़ा सा। और ये है प्रिंटिंग एरिया, और ये डिफरेंट सैंपल्स है प्रिंट्स के यहाँ पे लगाए हुए। सो यस, और अभी हम जाएंगे अंदर और प्रोसेसिंग देखने। तो अभी यहाँ पे धुलाई हो रही है वाइट फैब्रिक की, जिसको अभी यूज़ करने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। और इधर है प्रिंटिंग एरिया, अगेन ब्लॉक प्रिंटिंग एरिया। ये है अलग अलग तरह के ब्लॉक्स अलग अलग प्रिंट्स के लिए, और ये है पूरा एरिया आप देख सकते हो। और इधर चल रही है ब्लॉक प्रिंटिंग। सो इधर है ब्लॉक प्रिंटिंग टूल्स डिफरेंट, और ये है फ्रेशली प्रिंटेड फैब्रिक। ये है रेड कलर, नेचुरल रेड कलर, और ये है नेचुरल ब्लैक कलर। और यहाँ मैं ब्लॉक प्रिंटिंग पे अपना हाथ आजमाते हुए ओह इट लुक्स गुड। हाँ, सो ये है इनके बहुत सारे फैब्रिक्स जो अभी प्रोसेस और प्रिंट होना बाकी है। और इधर हो रहा है कलर प्रोसेस। और ये है इनका स्टोर रूम, जहाँ पे बाकी सारी चीज़ें स्टोर करी गई है। सो प्रिंटिंग के बाद यहाँ पे धुलाई चल रही है कपड़ों की। सो धुलाई के बाद कपड़े अभी ड्राइंग के लिए आ गए हैं। यहाँ पे बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पर इनको सुखाया जाता है, और यहाँ पे पूरे कोऑर्डिनेशन में वर्क हो रहा है बहुत इंटरेस्टिंग वे में, आप देख सकते हो।
और यहाँ मड प्रिंटिंग के लिए मड रेडी हो रही है, जिसको टापू प्रिंट भी बोलते हैं और जा होता भी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मड फिल्टर कर रहे हैं और यहाँ पे इसकी प्रिंटिंग होती है। ये एरिया है जहाँ पर ये दाबू प्रिंट या मड प्रिंटिंग की जाती है। सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि ऑलरेडी प्रिंटेड फैब्रिक जो होता है उस पर मड प्रिंट किया जाता है और इसके बाद इस फैब्रिक को कलर में डिप करते हैं, तो उसके बाद जो कलर चढ़ता है तो जहाँ मड होती है वो वाला एरिया सेफ हो जाता है और बाकी पे कलर हो जाता है। और इस तरह से मड प्रिंटिंग वर्क करती है। सो प्रिंट करके उनको वॉश करके ड्राई करने के बाद फैब्रिक को यहाँ लाया जाता है, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे उनको बॉयल किया जाता है। ये देखो ये बनाया हुआ है और यहाँ पे उसको फिर निकालते हैं और इधर है वॉशिंग एरिया। अभी जैसे मैं इसको हिलाऊंगा तो ये थोड़ी ग्रीन टाइप में दिखेगा, बट जब ये ऑक्सीडाइज होगा बाहर जाके सूखेगा फैब्रिक तो इंडिगो हो जाएगा, तब ब्लू टर्न करेगा। तो इसमें चूना वगैरह सब टाइम टू टाइम दिया जाता है, तब जाके मेंटेन रहता है, पूरा नेचुरल प्रोसेस रखना पड़ता है इसका। जो अपने नील की खेती आती है ना वो आता है, वो भी देना पड़ता है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसे जैसे ये मड से भरता जाता है फिर उसके बाद में इसकी पूरी क्लीनिंग करके फिर वापस इसको प्रिपेयर किया जाता है। अच्छा। जैसे ऑक्सीडाइज होगा ये ब्लू टर्न करेगा, वैसे ही ग्रीन। ओके। फैब्रिक भी ग्रीन, जैसे इसके अंदर से बाहर आएगा वो ग्रीन शो होगा, बट जैसे ही वो बाहर जाएगा ये खुलेगा ऑक्सीडाइज होगा तब जाके वो ब्लू में टर्न करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये नेचुरल है पूरा। और इधर है ब्लैक कलर जो कि जैगरी और स्क्रैप आयरन से बनाया जाता है और इसको 21 डेज तक स्टोर किया जाता है प्रोसेस होने के लिए और तब जाके वो नेचुरल ब्लैक कलर बनता है। वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे हमारी पार्टी हो रही है जो कि मेरे फ्रेंड ने हमें दी है, सो यस वी आर एंजॉयिंग इट। ये फैब्रिक्स मैंने यहाँ से खरीदे हैं और मेरी फ्रेंड ने भी यहाँ से लिया है, तो ये देखो। दिस वॉज ऑल अबाउट बगरू प्रिंटिंग और आपको दिखाया मैंने मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कैसे होती है, क्या है सारी प्रोसेसिंग वगैरह इनकी कैसे रहती है, तो सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के देखने के लिए प्लीज़ 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 स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।